सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अबाउट द लाइन क्लियरेंस। आखिर लाइन क्लियरेंस होता क्या है, ये हम इस वीडियो में शॉर्ट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द लाइन क्लियरेंस। तो लाइन क्लियरेंस क्या होता है, ये हम सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मान लो आपने एक सबसे पहले एक बैच बनाया है और आपको सेकेंड बैच, आपको नेक्स्ट अलग प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, तो आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस बैच में आपने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर लगे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है, उस सभी मटेरियल को, डॉक्यूमेंट को या फिर इक्विपमेंट को क्या करना है, आपको क्लीन करना है और या फिर वो जो एरिया है वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन क्लियरेंस कहते हैं। द लाइन क्लियरेंस इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग दैट इक्विपमेंट एंड वर्किंग एरिया आर फ्री फ्रॉम प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल। जो भी प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, मटेरियल नेक्स्ट शेड्यूल में लगने नहीं वाले हैं, उसको रिमूव करना, उसको क्लियर करना और उसे इंश्योर करना कि ये सभी एरिया क्लियर है और इक्विपमेंट क्लीन है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन क्लियरेंस प्रोसेस कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट द नो ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट इनसाइड द मॉड्यूल। प्रीवियस बैच का कोई भी ट्रेसेस मॉलिक्यूल नेक्स्ट बैच में यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये इसका मेन पर्पज़ है। दूसरा सेकेंड पॉइंट दैट इज़ टू इंश्योर दैट द करेक्ट मटेरियल ब्रॉट फॉर द प्रोसेसिंग। उसके बाद इसमें जो थ्री स्टेजेस है उसमें सबसे पहली स्टेज है क्लियरिंग। क्लियरिंग यानी जो भी प्रीवियस मटेरियल है उसको रिमूव करना, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग कहते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज है वो है क्लीनिंग, मतलब जो भी आइटम, जो भी इक्विपमेंट, जो भी एरिया है उसको क्या करना, क्लीन करना, क्लियर करना, उसे हम क्या कहते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस या फिर क्लीनिंग स्टेज उसको हम कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है चेकिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी एरिया को हमने क्लियर किया है, क्लीन किया है, उसका हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसके बाद उसका रिकॉर्ड हम बनाते। तो ये थे थ्री स्टेजेस ऑफ द लाइन क्लियरेंस। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक्स कंसेप्ट हमने देखा अबाउट द लाइन क्लियरेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो